साउथ अफ्रीका दौरे के समाप्ति के बाद भारतीय टीम का जो अगला मिशन है वो अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की T20 श्रृंखला का है, जिसका आगाज जनवरी 11 से होने वाला है। अगर हम बात करें इस T20 श्रृंखला की, तो यहां पर भारतीय टीम को एक नहीं बल्कि दो दो बड़े झटके लग चुके हैं। भारतीय टीम के जो पिछले कुछ सालों से T20 कप्तान थे हार्दिक पांड्या, वो अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली 3 मैचों की T20 श्रृंखला से बाहर हो चुके हैं, क्योंकि जो बांग्लादेश के खिलाफ ODI वर्ल्ड कप 2023 में उनको चोट लगी थी वो अभी पूरी तरीके से नहीं ठीक हुई है। अभी हार्दिक पांड्या को पूरा फिटनेस रिगेन करना है, जिस कारण BCCI उनके फिटनेस के साथ कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती, या खुद हार्दिक पांड्या अपने फिटनेस के साथ कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि IPL भैया बड़ा दाम मिला है, बड़ा रोकड़ा मिला है, तो उसके लिए वो फिट रहना चाहते हैं। फिर उसके बाद बात करें सूर्य कुमार यादव की, तो वो भी अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की T20 श्रृंखला से बाहर हो चुके हैं। कारण आपको पता है, जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो T20 श्रृंखला हो रही थी उसके आखिरी मुकाबले में एंकल इंजरी हो गया था, उसके बाद ऑपरेशन हुआ है, अभी रिहैब प्रोसेस चल रहा है, जिस कारण सूर्या भी इस श्रृंखला में नहीं खेल पाएंगे, यानी कि भारतीय टीम के कप्तान और उपकप्तान दोनों बाहर हो गए, जिस कारण अब यह सवाल उठ रहा है कि अगर हार्दिक नहीं तो भारत का कप्तान कौन? तो साधारण सा उत्तर होता सूर्या, तो सूर्या नहीं तो कौन, क्योंकि दोनों ही बाहर हो गए। तो अपने इस रिपोर्ट में हम यही देखने वाले हैं कि अगर ये दोनों खिलाड़ी बाहर हो गए तो इसके संकेत क्या है। अफगानिस्तान के खिलाफ जो T20 श्रृंखला है वहां पर 3-3 दावेदार मौजूद हैं, और अगर यहां पर कुछ आश्चर्यजनक फैसला होता है तो ये इशारा भी साफ हो जाएगा T20 वर्ल्ड कप 2024 का कप्तान कौन होने वाला है। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए देख लेते हैं वो कौन से 3 दावेदार हैं जो अफगानिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम की अगुवाई कर सकते हैं। ये स्क्रीन पर आ गए आपके सामने भारतीय टीम के सबसे बड़े दावेदार, इनका नाम है कप्तान रोहित शर्मा। और अगर अगर हम बात माने तो ये कंफर्म है कि रोहित शर्मा को कप्तानी दी जाएगी T20 की। और वैसे भी अगर रेगुलर कप्तान की बात करें तो रोहित ही हैं भारतीय टीम के रेगुलर T20 कप्तान। वो तो ODI वर्ल्ड कप चल रहा था, वहां पर ODI फॉर्मेट को तवज्जो दिया जा रहा था, जिस कारण रोहित शर्मा ने, विराट कोहली ने T20 फॉर्मेट से आराम लिया और कहा कि भैया हार्दिक आप जिम्मेदारी निभाओ T20 फॉर्मेट की, आप वहां पर खेलो, कप्तानी करो। तो जिस कारण से रोहित शर्मा थोड़े से साइडलाइन क्या हो गए, चीजें पूरी तरीके से बदल गई, समीकरण में बदलाव आ गया और प्रशंसकों के मन में दुविधा आ गई कि कप्तान कौन होगा। तो पहले विकल्प के तौर पर रोहित शर्मा ही है, और चर्चाएं तेज हो गई कि भैया अफगानिस्तान के खिलाफ T20 श्रृंखला में तय हो जाएगा कि भारतीय टीम का T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए कप्तान कौन होगा। अगर रोहित को कमान सौंपी जाएगी, यानी ये तय हो जाएगा कि यही हमारे कप्तान होने वाले हैं। अगर इनको नहीं सौंपी जाएगी, अगर जो अन्य दो विकल्प हम बात करने वाले हैं उनमें से किसी एक को सौंपी जाएगी, तो फिर ये भी तय हो जाएगा कि रोहित T20 वर्ल्ड कप में कप्तानी नहीं करने वाले हैं और हार्दिक ही कप्तान होंगे। तो जो अफगानिस्तान के खिलाफ T20 श्रृंखला है वो बड़ी श्रृंखला है और कई सारे उत्तर भी लेकर आएगी। अगर हम बात करें दूसरे विकल्प की, तो भैया जस्सी भाई है दूसरे सबसे बड़े दावेदार। जसप्रीत बुमराह है, टेस्ट टीम में ये कप्तानी कर रहे हैं। अगर T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए तैयार हैं, जसप्रीत बुमराह खेलना चाहते हैं, तो अफगानिस्तान के खिलाफ T20 श्रृंखला जरूर खेलेंगे। और अगर रोहित शर्मा को कमान नहीं सौंपी जाती है, रोहित शर्मा मना कर देते हैं कप्तानी करने से, तो फिर जसप्रीत बुमराह के पास कमान आएगी और ये दूसरे सबसे बड़े विकल्प हैं, ये आपको कप्तानी करते हुए दिख सकते हैं। अगर हम बात करें तीसरे विकल्प की कि भैया चलिए गेंदबाज को कप्तान नहीं बनाया जाता है, T20 फॉर्मेट है, जसप्रीत बुमराह को बहुत आराम दिया जाएगा, सिर्फ वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप खिलाया जाएगा या वर्ल्ड कप से पहले कुछ दो श्रृंखलाएं खिलाई जाएंगी, तो ऐसे बंदे को कप्तान बनाते हैं जो कि रेगुलर T20 फॉर्मेट खेले, तो शुभमन गिल, क्योंकि शुभमन गिल के रूप में भविष्य का खिलाड़ी खोज रहे हैं, भविष्य का कप्तान खोज रहे हैं, तो T20 फॉर्मेट से बेहतर कोई भी फॉर्मेट नहीं होगा जहां पर शुभमन गिल के कप्तानी स्किल का टेस्ट हो पाए। गुजरात टाइटंस ने इनके ऊपर भरोसा जता दिया और अब भारतीय टीम की बारी है, यानी कि अगर बुमराह को कप्तानी नहीं सौंपी जाती है, रोहित शर्मा मना कर देते हैं, तो शुभमन गिल को कमान सौंपी जा सकती है। और ये 3 दावेदार हैं, बड़े दावेदार हैं, जिनको अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली T20 श्रृंखला में कमान दे दी जा सकती है और भारतीय टीम की अगुवाई करते हुए नजर आ सकते हैं। यानी कि
जो अफगानिस्तान के खिलाफ T20 श्रृंखला है वहां पर सारे उत्तर मिल जाएंगे। रोहित ने अगर मना कर दिया कप्तानी करने से तो फिर आपको अन्य दो विकल्पों में से एक विकल्प का चुनाव होगा। अगर रोहित कप्तानी करते हैं तो रोहित ही 2024 में T20 के कप्तान होंगे, रोहित नहीं करते हैं तो हार्दिक 2024 में T20 वर्ल्ड कप के कप्तान होंगे। तो आज के अपने इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से कौन अफगानिस्तान के खिलाफ T20 श्रृंखला में कप्तानी करना चाहिए और इसके क्या मायने होंगे। तब तक मिलते हैं आपसे अगले अपने रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।